गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और अंबिकापुर कभी आपका यात्रा करने का दिल करे या काम पड़े आना पड़े तो अंबिकापुर में पुराने बस स्टैंड पे आ जाइए। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे होटल, 500 मीटर के एरिया में बहुत अच्छे अच्छे होटल कम रेट पे, जो 4,000 या 5,000 के दूसरे सिटियों में मिलते हैं, यहाँ 1200 में होटल मिल जाएगा। 24 आवर चेकआउट है, बहुत शानदार है। खाने के लिए पुराने बस स्टैंड पे नाश्ता सुबह का मिलता है, चाहे इडली डोसा ले लीजिए या छोले समोसे ले लीजिए, पोहे ले लीजिए, जलेबी ले लीजिए। और यदि आप शाकाहारी हैं तो वहाँ काम हो जाएगा। मांसाहारी भी हैं तो यहाँ मांसाहारी की तो कोई कमी है नहीं। हम आज निकलने हैं फील्ड में, बारिश हो रही है धीरे धीरे, एक एक करके बारिश हो रही है। चलते हैं, आज आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोगों को खिलाया जा रहा है। दोस्त, एक गजब चीज़ मैं देख रहा हूँ कि देखिए, मैं हूँ अभी छत्तीसगढ़ के एक गांव में और ये देखिए कच्चे मकान आपको दिख रहे होंगे। बारिश हो रही है तो हम रुके हैं, सरकार का बना हुआ एक आवासीय विद्यालय टाइप का है, इसमें रुके हैं। ये देखिए, यहाँ लोगों के पूरे गांव में मैंने इसमें कच्चे मकान ही देखे, पक्के मकान नहीं देखे, लेकिन भगवान का घर, मंदिर देखिए, ये आस्था कहिए इसको या क्या कहेंगे आप, देखिए भगवान का घर कितना समृद्ध तरीके से बना हुआ है, बहुत बढ़िया पक्का देखिए बना हुआ है, मस्त। छत्तीसगढ़ में हम जब एक आदिवासी परिवार के यहाँ आज खाना खाए हैं तो खाने में क्या खाए हैं ये सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने तो खाना छोड़िए इसका नाम ही नहीं सुना होगा। देखिए, हम हैं इस समय, ये है बांस के वो करेले की सब्जी, बांस का करेला का मतलब समझिए, ये है बांस, ये देखिए, और ये जो बांस नए नए निकल रहे हैं इसकी सब्जी बन रही है। अब जैसे ये है, ये बांस है, आज जो बनी थी इसे मोटा था, तोड़ के ले जा करके और उसको धुल करके बढ़िया से बनाई गई थी सब्जी। और मैं बताऊं आपको, मुझे लगा कि आलू के जैसे चिप्स काटते हैं ना पतले पतले, तो मुझे लगा कि ये आलू की भुजिया है। तो जब मैंने पूछा कि इसके बारे में, तो इन्होंने बताया कि नहीं, आलू की नहीं, ये बांस की है और खाने में बहुत टेस्टी थी भाई। खाया हम लोगों ने, इसके अलावा भी कल एक चीज़ खाई थी उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। अच्छा, यदि जो लोग ऐसे हैं जो कभी बांस के करेले की सब्जी खाए हैं और यदि खाए हैं या फिर इसका अचार वगैरह भी पड़ता है वो जानते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए खेती का तरीका, इधर जो है मल्चिंग पे खेती होती है क्योंकि पानी की कमी है, तो मल्चिंग और ड्रिप लगा देते हैं तो इससे फ़ायदा होता है कि एक तो ड्रिप से पानी कम लगता है, फ्लड इरीगेशन नहीं, ट्यूबवेल से पानी नहीं देते हैं, पानी कम लगता है, दूसरे घास जो है बहुत कम होती है, तो इससे पैसा इनका खर्च कम होता है। जो आदिवासी बाहुल्य जगह है, वो जो लोग हैं उनका मुख्य काम जो है पशुपालन है, पशुपालन और खेती पे इनकी जीविका टिकी हुई होती है। और जंगलों से ला करके जो चीज़ें बेचनी है, जैसे मैं आपको कल दिखाया था सब्जियां वगैरह जो जड़ी बूटी टाइप की होती हैं उसे बेचते हैं, और बकरी चराना, इनका पशुपालना इनका मुख्य काम यही है। और ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि दो लोग यहाँ बकरी चरा रहे हैं। अंबिकापुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है ये हनुमान जी का मंदिर, ये लमगांव एक जगह पड़ती है। और यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो स्वतः प्रकट हुई है। और अभी आज मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो लोगों के द्वारा पता चला कि यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है उसका जो साइज़ है, मूर्ति जो है दिन पे दिन बड़ी हो रही है। तो इसे देखने के लिए हम चले आए मंदिर में, देखते हैं क्या है। देखिए, कभी यह मूर्ति जो हनुमान जी का है, जय हनुमान जी, ये कभी 2 फुट की थी, है ना, ये पुजारी जी हैं, पुजारी जी बताएंगे, 2 फुट से भी छोटी थी, 2 फुट से भी छोटी थी जब निकली हुई है शुरू में। अरे, जब शुरू में कितने साल पहले निकली थी ये तो काफ़ी समय हो गया, जब ये जंगल था उस समय का, ये अच्छा। जंगल है जब मूर्ति निकली। और अभी भी बढ़ रही है मूर्ति, अभी बढ़ रही है, बढ़ रही है। हाँ, ये अनुभव होता है जो लोग ज़्यादा दिन में दर्शन करने आते हैं उनको बराबर अनुभव होता है, और जो हमेशा दर्शन करते हैं तो उतना दिख रहा है। हाँ हाँ, जो लोग पहले बहुत काफ़ी दिन पे आते हैं उनको ये दिखता है, जीवंत हनुमान जी की मूर्ति है ये। और ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी मुरादें मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। ये देखिए, यहाँ बाबा जी हैं, पेड़ में पहले इनकी पूजा होती थी, छोटी सी मूर्ति, पहले का फोटो उस समय की है, तस्वीर उस समय की है जब बाबा भीमसेन महाराज पीपल के वृक्ष में
स्वयं प्रकट हुए थे, भीमसेन महाराज यानी हनुमान जी को कहते हैं। और ये देखिए आज मूर्ति इतनी बड़ी हो गई, ये पुजारी जी थे, इनको दर्शन दिए थे। जय हो, जय बजरंग। आज के युग में भी इस बात को विश्वास करना काफ़ी टफ है, काफ़ी मुश्किल है कि यहाँ पे जो है हनुमान जी की मूर्ति पहले 2 फुट से भी कम की थी और आज बढ़ रही है। मतलब मुझे खुद पे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। बहरहाल शीश नवा करके आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता है।